इम्पोर्टेंट, तो रिवीजन लेंगे जो हमने अध्याय आपको पढ़ा दिए थे अध्याय दो में से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अध्याय दो है बहुपद, बहुपद का है प्रश्न एक, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कौन से नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। फर्स्ट है चार एक्स स्क्वायर तीन है धन सात, एक चर एक्स में बहुपद है। दूसरा वाई स्क्वायर धन करनी दो, एक चर वाई में बहुपद है। इसका मतलब है कि वाई जो है चर राशियां होती हैं, आपको मैंने बताया था कहलाती, ठीक है। चलिए तीसरा है तीन करनी टी धन टी करनी दो बराबर है तीन टी वन बाय टू धन टी करनी दो, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसमें आपको घातों का भी ध्यान देना है कि जो घात है वो पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक मतलब कोई भी एक संख्या होनी चाहिए। और वाई धन दो वाई वाई बराबर वाई धन दो वाई ऋण एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि वाई की घात एक पूर्ण संख्या नहीं। पांच एक्स दस धन वाई की घात तीन धन टी घात पचास, ये बहुपद तो है परंतु एक चर में नहीं है। एक चर का मतलब यहाँ एक्स वाई और टी, यहाँ पे तीन चर राशियां दिख रही हैं, तो ये जो है यहाँ पे तीन चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, एक्स स्क्वायर जिस बहुपद में है का गुणांक होगा ना, गुणांक का अर्थ होता है कि एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा में कौन सी संख्या आ रही है, ठीक। तो देखते हैं पहला दो धन एक्स स्क्वायर धन एक्स में एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर में एक का गुणा हुआ है और गुणा होने के बाद ये संख्या आती है एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हुआ, एक हुआ, तो एक है। दूसरा दो ऋण एक्स स्क्वायर धन एक्स की घात तीन में, फिर से पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए ये जाएगा माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ माइनस वन। तीसरा पाई बाय टू एक्स स्क्वायर धन एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बाय टू, तो पाई बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये गुणांक हुआ पाई बाय टू, ठीक। ये हुआ थर्ड। फोर करनी दो एक्स ऋण एक में एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो है। अब प्रश्न तीन इंपॉर्टेंट, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात मतलब जो पावर है वो होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, और एक द्विपद, द्विपद मतलब एक्स की घात 35 होनी चाहिए धन, वो भी एक संख्या लेंगे तीन, ये एक पद और ये द्विपद हो गया, ठीक है, और ये द्विपद, तो ये उदाहरण हुआ। और 100 घात के एक पदी का, 100 घात मतलब घात 100 होना चाहिए और पद और टर्म कितनी एक होनी चाहिए, ये टर्म है, ये टर्म है तीन एक्स की घात 100, तीन एक्स क्या हुआ एक पद हुआ, ठीक। इसकी घात कितनी है 100 का ये उदाहरण है। प्रश्न चार, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, घात मतलब पावर। चलिए पांच एक्स की घात तीन धन चार एक्स की घात दो धन सात एक्स में, देखिए पांच धन चार एक्स दो धन सात एक्स में, इसमें घात एक है दो है और तीन है, लेकिन मानते क्या है अधिकतम घात मैक्सिमम तीन, ठीक है, इसकी घात का उत्तर क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा। अगला प्रश्न,
बहु पर चार ऋण वाई की घात बाई की घात दो, इसमें मैक्सिमम वाई की घात है दो, तो सही उत्तर होगा इसका घात दो। थर्ड है बहुपद पांच की ऋण करणी सात बराबर पांच की ऋण करणी सात की घात, यहाँ टी की घात क्या है एक, कोई घात नहीं है तो एक मानते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा इसकी पावर एक। प्रश्न नंबर पांच आईएमपी क्वेश्चन है ये, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। रैखिक का मतलब होता है कि घात एक होना, द्विघाती मतलब घात दो होना और त्रिघाती मतलब होता है तीन होना, ठीक है। तो पहला प्रश्न x स्क्वायर धन x एक द्विघाती बहुपद है, इसका अर्थ है कि ये है, सही है ये, दूसरा है एक त्रिघाती बहुपद है, ये भी है, नेक्स्ट y धन y की घात दो धन चार एक द्विघाती बहुपद है, ये द्विघाती है, एक धन x एक रैखिक बहुपद है, ये भी है रैखिक है, तीन t एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि तीन t घात एक है इसलिए ये क्या होगा रैखिक या एक घाती बोल सकते हैं इसको। x r की घात दो एक द्विघाती बहुपद है, नेक्स्ट 7x की घात तीन एक त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें x की घात तीन है, क्या कहलाएगा त्रिघाती। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है x बराबर 0, लेट x इक्वल टू 0, अब px ये बहुपद होता है बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर धन 3 की, इसमें x की वैल्यू 0 रखना, तो 0 रखेंगे 5 इंटू 0 माइनस 4 जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री, हाँ पांच इंटू जीरो जीरो होता है माइनस जीरो इंटू फोर ये भी जीरो प्लस थ्री, आंसर आएगा थ्री, ठीक। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। अब है दूसरा, सेकंड एक्स बराबर माइनस एक रखने पर, ठीक, तो पांच के स्थान पर क्या करेंगे माइनस एक रखेंगे, तो ये होगा पांच माइनस एक माइनस चार माइनस एक का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस पांच माइनस यहाँ एक का स्क्वायर बार एक होता है और चार माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस चार हो गया प्लस थ्री, और माइनस पांच और माइनस चार हो जाएगा माइनस नौ प्लस थ्री, तो माइनस नौ प्लस थ्री कितना होगा माइनस सिक्स, लग जाएगा हाँ। ये हो गया दूसरा प्रश्न का उत्तर। रहा तीसरा प्रश्न, x बराबर दो रखने पर बहुत इजी है, पांच इंटू दो माइनस चार दो का स्क्वायर प्लस तीन, तो आएगा दस माइनस दो दो चार होगा और चार में गुणा तो सोलह प्लस तीन, अब दस में छह को माइनस करेंगे प्लस तीन, तो माइनस सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री, इसका उत्तर हो। प्रश्न चार, निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य के संबंध में आपको बता दूं कि शून्य का मतलब होता है एक बहुपद px इक्वल टू x प्लस फाइव सा शून्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, px इज इक्वल टू जीरो रखा तो आ जाएगा x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हुआ, x इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो माइनस फाइव,
तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न नंबर दो, px बराबर x ऋण 5, इसको भी जीरो के बराबर शून्य करेंगे तो x ऋण 5 बराबर हो जाएगा जीरो, x बराबर 0 धन 5। फिर से पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आ गया सेकंड का आंसर। तीसरा करते हैं, थर्ड, px बराबर 2x धन 5, इसमें भी जीरो के बराबर रखेंगे तो 2x धन 5 बराबर हो जाएगा जीरो, 2x बराबर, देखिए x बराबर ऋण 5 और x बराबर हो जाएगा ऋण 5/2। ये इसका उत्तर है। अतः x बराबर ऋण 5/2 बहुपद का px का एक शून्य है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हल सहित आपको समझाया, आपको आशा है कि आपको समझ आया होगा। आप इसकी एक एक सवालों की 5 मिनट में प्रैक्टिस करें तो और अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।